गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी आर अगेन बैक विद न्यू वीडियो फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। सो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, इट इज ऑफन आस्क्ड, सो वी विल डिस्कस रिगार्डिंग इट। नाउ यू सी, सपोज दिस इज अ टोपोग्राफिकल शीट, ओके, एंड इन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड कैलकुलेट द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन दिस धानत्रय विलेज एंड दिस धाना विलेज, ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू विलेजेस। प्रश्न दो प्रकार से आता है, पूछेगा कि आप एक तो स्ट्रेट डिस्टेंस निकालो, सीधा दूरी निकालो इन दोनों के बीच में। बोलेगा यहां से यहां तक का जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो दोनों निकालिए आप, इसको डायरेक्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक। या बोलेगा कि आप इसका जो डिस्टेंस है ये रोड के थ्रू आप निकालो, ये जो रोड जा रहा है ना रेड कलर का, इसके थ्रू निकालो, ये इनडायरेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ओके। सो दिस विल बी द इनडायरेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट डिस्टेंस और एक इनडायरेक्ट डिस्टेंस, इन्हीं दोनों को हमको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, ओके। सो अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माई अरविंद ज्योग्राफी वर्स चैनल, एंड आई एम अगेन बैक विद द न्यू टॉपिक, द सेम कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस। क्वेश्चन पूछेगा आप किसी भी दो जगह दो सिंबल का यूज कर सकता है, गांव हो सकते हैं, जैसे दो सेटलमेंट हो गए, या दो कॉस्बीज के बीच का डिस्टेंस वो बोलेगा कि आप इसको कैलकुलेट करो, ठीक। समझ में आ गया क्वेश्चन, एक नंबर पे आ सकता है, किलोमीटर में निकालना होगा, इसमें निकालना होगा किलोमीटर में। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या, फर्स्ट स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग का मतलब रस्सी या जो धागा होता है वो चाहिए। दूसरा आपके पास एक स्केल होना चाहिए, नॉर्मल स्केल जो आपके पास होता है, सिंपल की स्केल होना चाहिए, ठीक ना, 15 सेंटीमीटर का भी चलेगा, तो समझाना था इसलिए मैंने बड़ा वाला स्केल लिया, ओके। और एक स्ट्रिंग चाहिए यानी धागा चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे पास ये धागा है, ओके। फर्स्ट कैलकुलेट द डायरेक्ट डिस्टेंस, यानी अगर क्वेश्चन पूछे कि इन दोनों विलेज है, सपोज कर ये विलेज हो गया ए और ये विलेज हो गया बी, इन दोनों विलेजेस के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस निकालो, डायरेक्ट डिस्टेंस निकालिए, ठीक। तो डायरेक्ट का मतलब कि सीधा दूरी, या बोल सकते हैं इसको एक और वर्ड देते हैं, कैलकुलेट क्रो फ्लाइज, मतलब कि मान लो क्वेश्चन होगा कि एक क्रो यहाँ इस गांव से उड़ा और इस गांव में चला गया, तो सीधा दूरी तय करेगा ना, तो डायरेक्ट डिस्टेंस ही पूछ रहा है, क्रो वर्ड यूज करेगा उसके लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट डिस्टेंस बहुत आसान होता है, उसमें आप डायरेक्ट स्ट्रिंग लें, ठीक है, और इसको मान लो सपोज इस विलेज से इस विलेज तक का निकालना है ना, तो जहां से विलेज स्टार्ट हो रहा है वहां से रखो यहाँ पे, आपने मार्क कर लिया इतना डिस्टेंस, और आप फिर इसको स्केल पे मेजर करो, मान लिया हमने मेजर किया, इस पे आया 45 सेंटीमीटर, कितना आया है रफली 45 सेंटीमीटर। तो आप क्या कर रहे हैं, बस बिल्कुल इजी है, बस यहाँ सपोज करो कितना आ गया 45 सेंटीमीटर, दिस 45 सेंटीमीटर ऑन द मैप, यानी मैप पे जो 45 सेंटीमीटर है वो कितने, जो मैप पे है ना 45 सेंटीमीटर, वो जमीन पे कितने किलोमीटर के बराबर होगा, तो आरएफ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आरएफ कितना है इसका, आरएफ आपका मैप के नीचे दिया होता है, यहाँ पे देखो सपोज ये आरएफ दिया हियर 1:50,000, आरएफ कांस्टेंट होगा अपना हमेशा 1:50,000। हमने पिछले वीडियो में प्रूफ किया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ किलोमीटर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पीछे विजिट करके देखना, स्केल्स एंड मैप करके हमने वीडियो अपलोड किया है, आप वहाँ से इजिली समझ सकते हैं, ठीक ना। तो यानी 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू हाफ किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, हमने अभी मेजर किया था। तो सपोज करो आप छोटा सा स्ट्रिंग लोगे, रस्सी छोटा सा लोगे, स्केल छोटा होगा, आपका जितना भी डिस्टेंस किलोमीटर में आएगा ना, सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर जो भी सेंटीमीटर आएगा, आप उसको क्या करोगे, इसको आप डिवाइड बाय 2 कर दोगे 22.5 किलो, जितना भी डिस्टेंस आ जाए डायरेक्ट डिस्टेंस आप उसको हाफ करेंगे, सेंटीमीटर इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा किलोमीटर, अगर छोटा डिस्टेंस है तो आप इसको डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हो, जैसे सपोज करो ये कॉसवे यहाँ से और यहाँ तक का मेजर करना है, तो कॉसवे में जहाँ ये क्रॉस पॉइंट होता है ना, मतलब कि जो ड्राई स्ट्रीम है और ये रोड है जहाँ कटता है आपस में, इस पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं। इनमें अगर डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना है तो देख लो लगभग है, ये लगभग है 30 सेंटीमीटर, कितना है 30 सेंटीमीटर, ये स्केल से आ गया, तो ग्राउंड पे कितने के बराबर होगा,
दिस विल बी इक्वल टू 15 किलोमीटर. सो आई होप दिस इज क्लियर. ये डायरेक्ट डिस्टेंस हो गया. कौन सा डिस्टेंस हो गया? डायरेक्ट, सीधा मेजर कर लिया. और अगला हो गया, अगर हमने जैसे अभी क्वेश्चन दिखाया था कि वो बोलेगा कि आप रोड का डिस्टेंस कैलकुलेट करो. किसका डिस्टेंस कैलकुलेट करो? रोड से डिस्टेंस कैलकुलेट करो. ये गांव इस गांव से कितना दूर है थ्रू रोड, इसको हम इनडायरेक्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं. तो देखो, इसके लिए आपके पास जो थ्रेड होगा ना, थ्रेड या स्ट्रिंग, उसको आप क्या करोगे, जिस रोड पे बोलेगा ना उस रोड से उसके ऊपर आप थ्रेड को फैलाते जाएंगे और लास्ट में थ्रेड को आप स्केल से कंपेयर कर लेंगे. जैसे देखिए, सपोज हमको यहाँ से यहाँ तक निकालना है ना, तो हम थ्रेड का स्टार्टिंग पॉइंट ले लेंगे. हम यहाँ, आपके पास ब्लैक होगा तो आप मार्क कर लेंगे, गट्ठी भी ले लेंगे, चलेगा. ठीक, हमने इसको यहाँ से स्टार्ट कर दिया, कुछ नहीं करना है. अब हमको इसके ऊपर इसको फैलाते चले जाना है. ठीक ना, ऐसे हो गया. देखिए आप इसको बिल्कुल उसके ऊपर हमको इसको मार्क करते जाना है. जिधर जिधर वो रुड़ गया है ना, उधर इधर इसको टर्न करना है. उसके साथ कोई इधर उधर कुछ नहीं करना है. ओके, देखिए यहाँ तक आ गया. तो ये डिस्टेंस आया है इतना सेंटीमीटर. अब मैं इसको स्केल से कंपेयर करूँगा. सपोज फॉर यहाँ स्केल हो गया आपका, ये हो गया आपका. देखो मान लिया 50 सेंटीमीटर के आ रहा है, 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा है कुछ, तो हमने रफली ले लिया 52 सेंटीमीटर. कितना सेंटीमीटर हो गया? 52 सेंटीमीटर. अब हमने मान लिया डिस्टेंस थ्रू रोड, डिस्टेंस थ्रू रोड इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर. ये सेंटीमीटर में है तो आर एफ 1:50,000, तो कितना किलोमीटर हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 52/2, दिस इज इक्वल टू 26 किलोमीटर. हो गया आपका 26 किलोमीटर. ठीक, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना. सबसे पहले आप पहचानना कि किसके किसके बीच का हमको डिस्टेंस चाहिए. डायरेक्ट बोला होगा तो स्केल से सीधा मेजर कर सकते हैं या थ्रेड से भी, और अगर इनडायरेक्ट बोला है तो जो रास्ता देगा ना, रोड दे या टेलीफोन कुछ भी दे, रोड ही देगा, आप उसके ऊपर थ्रेड फैला लें और फिर उसको स्केल से नाप लें और हाफ कर दें. दैट आंसर विल बी इन किलोमीटर. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. ये आसान था, ठीक है. अब दूसरा एक और मेरे माइंड में क्वेश्चन है, मैं इसको भी अभी सॉल्व ही करा दे रहा हूँ आपको. जैसे देखो, सपोज करो रिवर का डायरेक्शन हम सोचे हैं बता देंगे, टाइम थोड़ा कम है. सपोज करो ये कोई रिवर हो गया. रिवर बेसिकली ये ब्लैक कलर का आउटिंग होता है इसका, ठीक है. मान लिया हमने ये रिवर हो गया, और अगर इसमें ब्लू कलर है, कौन सा कलर? कलर थोड़ा मैं अलग ले रहा हूँ. सपोज करो इसमें ब्लू कलर है, कौन सा कलर है? ब्लू कलर. तो अगर ब्लू कलर है रिवर में, तो वो क्या इंडिकेट करेगा? दैट विल इंडिकेट अ पेरिनियल, इंडिकेट करेगा कि रिवर क्या है, पेरिनियल है. अदरवाइज अगर वो ब्लू कलर नहीं है तो वो रिवर पेरिनियल नहीं है. पेरिनियल का मतलब पूरे साल उसमें पानी रहता है, वो कभी रिवर सूखता नहीं है. हमारे ज़्यादातर जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं वो पेरिनियल है, और साउथ इंडियन रिवर जो है वो क्या है? नॉन पेरिनियल, ठीक है. अब इसमें आपको क्वेश्चन होता है कि हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर. मतलब सवाल पूछता है कि किस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है, आप बताओ. उसके लिए आपको देखो, खास उसमें ना एरो दिया होता है, ऐसे एरो ड्रा करके देगा, तो ये एरो स्पष्ट बताएगा रिवर का डायरेक्शन कि किधर से रिवर फ्लो कर रही है. तो रिवर में अगर क्वेश्चन आए कि किस दिशा में फ्लो कर रही है, तो ये एरो ढूंढ लेगा, एक क्वेश्चन वहां से आता है. या फिर बोलेगा उसकी ट्रिब्यूटरीज का, जैसे मान लो कोई रिवर ऊपर से आके इसमें मिल रही है. एग्जांपल लेते हैं, हमने मान लिया ये रिवर ऊपर से आके इसमें मिल गई, ठीक ना, ठीक है. अब क्वेश्चन पूछता है, मान लो इसका कुछ नाम दे दिया अलग से, बोलेगा अब इस रिवर का डायरेक्शन क्या है, आप बताओ. तो याद रखो, जो ट्रिब्यूटरी होती है ना, अक्सर आके मेन रिवर में ही मिलती है. तो इसका डायरेक्शन यहाँ अगर एरो नहीं दिया होगा ना, तब भी आप समझ जाओगे कि ट्रिब्यूटरी है, इसकी सहायक नदी है, छोटी सी नदी है ये, बड़ी नदी में आके मिल रही है. तो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली किधर होगा? नीचे की तरफ. तो ट्रिब्यूटरी नदी जो रिवर्स होती है ना, वो हमेशा मेन रिवर में आके मिलती है. तो आप उसका डायरेक्शन देख लेंगे. रिवर का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए उसमें एरो गिवन होता है, आप एरो ढूंढ लेंगे. एक इम्पोर्टेंट वर्ड होता है कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर. कन्फ्लुएंस उनको हम कन्फ्लुएंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं उनको?
कन्फ्लुएंस डन। यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन होगा फिशिंग, हमने इसका भी एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है सारे ऑक्यूपेशन का, वहाँ से आपको एक नंबर कन्फर्म मिलेगा। तो इतना मुझे आई होप बताना था, मैंने आपको बता दिया, थोड़ा एग्जाम पास है तो रिवाइज कर लेंगे और ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, तुरंत गलत नहीं होने चाहिए। डायरेक्ट डिस्टेंस सीधा मेजर करेंगे आप, इनडायरेक्ट में रोड के थ्रू जाएंगे, रिवर का डायरेक्शन हो गया उसमें एरो से पकड़ लेंगे, ब्लू लाइन अगर होगा अंदर ब्लू लाइन, मैंने ग्रीन लाइन का यूज किया है लेकिन ब्लू लाइन होगा मतलब पेरिनियल रिवर है, नहीं तो नॉन पेरिनियल रिवर। ट्रिब्यूटरीज उसकी मेन रिवर में आगे मिल रहे हैं तो आप उससे डायरेक्शन उसका निकालोगे देन। और जहाँ दो रिवर्स मीट मिलते हैं ना उनको हम कन्फ्लुएंस पॉइंट बोलते हैं, कौन सा पॉइंट बोलते हैं, कन्फ्लुएंस पॉइंट। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे एंड आई होप यू आर एंजॉइंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, ओके। सो थैंक यू।